आज हम लोग उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट जानेंगे। कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। यह 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोसेडिक परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग जो है वो केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की जो विशेषताएं हैं वह है कि कस्तूरी मृग का रंग जो होता है भूरा होता है, उसमें काले काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर एवं इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। इसकी ऊंचाई 20 इंच होती है। इसकी कस्तूरी मृग में सींग नहीं होती। यह अपनी सुरक्षा आत्मरक्षा के लिए नुकीले दांत का प्रयोग करता है। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव के अपेक्षा लंबे होते हैं। जो इसके पीछे के पैर होते हैं आगे के पांव के अपेक्षा लंबे होते हैं। कस्तूरी मृग की यह विशेषता है कि यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। यह इसमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। और मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन जो होता है वो केदारपाती होता है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्ति की जाती है। अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिली और कश्मीर की कस्तूरी पिंगल, सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि रूप से कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय रोगों में किया जाता है। यह प्राकृतिक रसायन है। रसायन रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल होता है। कस्तूरी मृग जो संरक्षण के लिए उन्नीस सौ बहत्तर में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुष्ठान की स्थापना 1977 में की थी, जो बागेश्वर में है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी।